सभी को जय हिंद मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एंड सी द वे ऑफ सक्सेस में देखिएगा जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं मुझे फटाफट कमेंट करें रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है या आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हो जो भी कैडेट इस वीडियो को वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद देख रहा है तो भी आप सभी को आपका नाम कमेंट में लिखना है कि आज की क्लास में भाई कौन कौन प्रेजेंट था ताकि मुझे ये पता चलता है कि कितने कैडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कितने कैडेट तक ये वीडियो पहुंच रहा है ये मुझे पता चलता है तो देखिए आज का जो हमारा ये पार्ट फोर है ठीक है पार्ट फोर है इससे पहले अगर आपने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट फोर ठीक है इससे पहले कि अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए यहाँ पे आपके राइट हैंड के साइड पे एक आई बटन होगा इस तरह से उसके ऊपर क्लिक करें वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी एनसीसी क्वेश्चन पेपर सॉल्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी इस तरह से एक प्लेलिस्ट लिस्ट दिखाई देगी उसके ऊपर क्लिक करके आप पूरी वीडियोस वहां से देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो ठीक है चलिए तो बहुत ठीक है बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं लाइव तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवेंचर एक्टिविटीज साहसिक प्रशिक्षण देखिएगा एडवेंचर ट्रेनिंग साहसिक प्रशिक्षण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चाहे आप एनसीसी के बी सर्टिफिकेट में हो सी सर्टिफिकेट में हो या ए सर्टिफिकेट का एग्जाम देने जा रहे हो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं आते मतलब कि आना ही है इसके ऊपर क्वेश्चन ठीक है जितने भी हर साल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आते हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो एडवेंचर एक्टिविटीज साहसिक प्रशिक्षण साहसिक गतिविधियों द्वारा एनसीसी कैडेट्स में कौन से गुण विकसित होती है जब आपको साहसिक गतिविधियों द्वारा एनसीसी कैडेट में कौन से गुण विकसित होती है तो 6 मार्क का क्वेश्चन है तो देखिए इसमें आपकी मानसिक सुदृढ़ता बढ़ती है उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य चुस्ती फुर्ती आती है भाई शरीर में अनुशासन डिसिप्लिन सीखते खेल की भावना योजना बनाना एवं दूरदर्शिता ठीक है प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए ये चीज़ें कैडेट्स के अंदर डेवलप होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की रक्षा ठीक है तो ये चीज़ें जो है एक छः मार्क का क्वेश्चन है और आप इसमें छ ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो मानसिक सुदृढ़ता उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य चुस्ती फूर्ति अनुशासन खेल की भावना योजना बनाना एवं दूरदर्शिता प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की रक्षा करना तो ये पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं तो चलिए सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए जितने भी कैडेट्स लाइव आ चुके हैं फटा फटाफट एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता रहूं ठीक है जब आप लाइक करते हो कमेंट करते हो ठीक है इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप सभी को शेयर कर देना है ठीक है शेयर कर देना है ताकि सभी कैडेट्स तक ये वीडियो भी पहुंच सके तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू कैडेट्स को साहसिक प्रशिक्षण से लाभ क्या है देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट आई एम पी कैडेट्स को साहसिक प्रशिक्षण के लाभ क्या है सात मार्क का क्वेश्चन है ठीक है बहुत बार ये क्वेश्चन पांच मार्क के लिए भी पूछा जाता है तो कैडेट्स को साहसिक प्रशिक्षण के लाभ क्या है तो कैडेट्स का ka, चारित्रिक विकास होता है कैडेट्स कष्टों करने कष्टों करने का सामना सीखते हैं कैडेट्स कष्टों का सामना करना सीखते हैं कैडेट्स के व्यक्तित्व का विकास होता है कैडेट्स के मन का विकास और विचारों में खुलापन आता है और साथ में कैडेट्स में अनेक मानवीय गुणों का विकास होता है कैडेट्स में धैर्य सहिष्णुता और साहस की भावना जागृत होती है तो ये सभी पॉइंट्स आपको लिखना है ठीक है फिर से एक बार बता रहा हूं मैं यहां से आप देख सकते हो ये पॉइंट्स आप उसमें लिखोगे तो आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाने वाली कुछ साहसिक गतिविधियों के नाम आपको लिखना है ठीक है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है तो दस मार्क का क्वेश्चन है एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली कुछ साहसिक गतिविधियों के नाम आपको लिखना है तो इसमें ट्रैकिंग साइकिलिंग पैरासेलिंग माइक्रोलाइट फ्लाइंग नौकायन रॉक क्लाइंबिंग सेलिंग रिवर राफ्टिंग हैंग ग्लाइडिंग ठीक है तो ये पॉइंट्स जो है आप सभी को लिखना है फिर से मैं आप सभी को एक बार बता दूं कि भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला ठीक है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाने वाली कुछ साहसिक गतिविधियों के नाम आपको लिखना है इसमें ट्रैकिंग साइकिलिंग पैरासेलिंग माइक्रोलाइट फ्लाइंग नौकायन रॉक क्लाइंबिंग सेलिंग रिवर राफ्टिंग हैंग ग्लाइडिंग ठीक है ये सारे के सारे कैंप होते हैं एडवेंचर एक्टिविटीज में आप सभी को करने का मौका मिलता है एनसीसी कैडेट को तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हो अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक बटन दबा दो तो इससे क्या होता है थोड़ा सा मैं मोटिवेट होता हूं ठीक है और सभी को कमेंट भी करना है ठीक है और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद शेयर भी कर दो ठीक है ताकि बहुत सारे बच्चों का जो एग्ज़ाम है अभी आ रहा है ठीक है यूपी डायरेक्ट्रेट का एग्जाम है बहुत जल्दी आ रहा है तो भाई आपके लिए एक अच्छा मौका है आप इन ये सभी वीडियोस सही तरह से अगर देखोगे आप तो आप आपका जो एग्ज़ाम है आप आराम से क्लियर करोगे साहसिक क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य क्या है ठीक है साहसिक क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य क्या है एडवेंचर एक्टिविटीज़ का जो मेन आ, एम क्या है तो देखिए कैडेट्स में साहस जिज्ञासा खोज व व्यवहारिक जांच परख करने की भावना का विकास करना कैडेट्स में सहन शक्ति धीरज आत्मविश्वास टीम भावना और संघ भाव का विकास करना कैडेट्स में प्रकृति प्रेम तथा पर्यावरण की स्वच्छता के लिए रुचि उत्पन्न करना राष्ट्रीय एकता व अखंडता की भावना को बढ़ावा देना ये जो है वो साहसिक क्रियाकला क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य है पाँच मार्क का क्वेश्चन है याद रखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखिएगा अभी मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं अभी आप सभी को ना अगर आप आर्मी विंग के कैडेट हो ठीक है अगर आप आर्मी विंग के कैडेट हो चाहे नेवी के हो

चट्टानों पर चढ़ना और स्कीइंग ये जो है हमें पांच पॉइंट उसमें लिखना है ट्रैकिंग साइकिल एवं मोटरसाइकिल अभियान पर्वतारोहण चट्टानों पर चढ़ना एंड स्कीइंग ये पांच पॉइंट हमें लिखना है अगर आप आर्मी विंग के कैडेट हो तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा हंड्रेड परसेंट आएगा चलिए अब बात करते हैं अगर भैया आप एयर विंग के कैडेट हो अब बात करते हैं क्या है आप एयर विंग के कैडेट हो अगर आप एयर विंग के कैडेट हो तो ये देखिए आपके एनसीसी की एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा आकाशीय साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो आकाशीय साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो तो आप वहां पे क्या लिख सकते हो पैरासेलिंग पैरा जंप हॉट एयर बलून सेलिंग एंड ग्लाइडिंग ये पांच पॉइंट आपको लिखना है पांच में से पांच आउट ऑफ मार्क मिलेंगे पैरासेलिंग पैरा जंप हॉट एयर बलून और ग्लाइडिंग ठीक है क्लियर है ओके अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक बटन दबा दो यार दबा दो यार, दबा दो लाइक बटन दबा दो और वीडियो को शेयर भी करो ताकि सभी बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अगर आप नेवी विंग के कैडेट हो अगर आप नेवी विंग के कैडेट हो तो देखिए जलीय साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो पांच मार्क का क्वेश्चन है जलीय साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखना है इसमें नौकायन राफ्टिंग कायाकिंग स्कूबा डाइविंग इसको गोताखोरी विंड सर्फिंग ये आपको पांच पॉइंट्स लिखना है जलीय साहसिक क्रियाकलापों के नाम क्या है तो नौकायन राफ्टिंग कायाकिंग स्कूबा गोताखोरी एंड विंड सर्फिंग क्लियर है आ... तो यही इम्पोर्टेंट है बिल्कुल जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में सभी को बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि सभी को रट लो अभी से ठीक है आज का जो है हमारा ये पार्ट फोर था पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ये सभी पार्ट्स आप लोगों को देखना चाहिए अगर आप इस साल एग्जाम देने जा रहे हो एनसीसी बी का चाहे सी का एग्जाम दो ये सभी पार्ट्स आपको देखना है ठीक है फिर से मैं बता रहा हूं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी उसके ऊपर क्लिक करो और पूरे वीडियोज देख सकते हो ठीक है यहां पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए आपको जो एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिसमें आपको पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर ये सभी वीडियोस आपको यहां पे दिखेगी और इस साइड पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पार्ट वन और पार्ट टू दिखेगा ठीक है तो सभी जितने भी बच्चे अभी तक लाइव देख रहे बहुत हैं बहुत बढ़िया आपका स्वागत है बहुत बढ़िया शाबाश सभी लोग और एक बार सभी लोग लाइक बटन दबाकर इस वीडियो को शेयर कर दो यार सभी ठीक है इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों को एनसी कैडेड को शेयर कर देना है ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके ठीक है यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे सभी वीडियोस देखने को मिल जाएगी यहाँ पे दोनों जगह पे आप क्लिक करके पूरी वीडियोस देख सकते हो आई होप कि आपको वीडियो में दी जानकारी समझ में आएगी इसी तरह की नई नई जानकारी पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो आगे चलकर आपको इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम